मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो ये प्राइवेट क्लासेस हैं और ये क्लास हमारे उन स्टूडेंट के लिए है जो हमसे पढ़ते हैं, केमिकल गुरु में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि सर आयुष्य हल्दिया गुजरात का पेपर है अभी 11 जून को, तो सर हम क्या पढ़ें? आपका कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है और उसको किस तरीके से कवर करें जिससे कि हम एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें, मार्क्स ला सकें, तो इसी का आंसर देने का हम आज कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो कंटेंट है हमने वो 3 साल में इस तरीके से डिजाइन किया, ऐसा बनाया कि अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आप 100% ओबी गुप्ता सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक, ये बात सत्य है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, मगर ये बात भी सत्य है कि इतना बड़ा कंटेंट कवर करना एक महीने में पॉसिबल नहीं है। कम से कम उसके लिए 2.5 से 3 महीने तो लगेंगे, ठीक, क्योंकि इंजीनियरिंग को पूरी तरीके से हमने कवर किया है, मैक्सिमम लेवल पे जाके कवर किया है। फिलहाल अभी हमें फोकस करना है कि भाई हम एक महीने में कैसे उसको कवर करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक, चलिए सबसे पहले तो हमें जो 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के हैं उस पर फोकस करना है। जो पहला काम है वो 10 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। अगर इन 10 सब्जेक्ट में देखा जाए तो और कम करें तो एसटीओ, एमटीओ, एफएम, सीएटी यानी थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, और पीआरई और साथ में सीटी, ये सारे सब्जेक्ट हमारे कवर करोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनमें सीटी जो है उसमें सीटी 1 एंड 2, फर्टिलाइजर 1 एंड 2, इसके अलावा पॉलीमर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजिंग और पेट्रोकेमिकल्स और एग्रो इंडस्ट्रीज, इतने सेक्शन हमने कवर किए हैं इस सीटी में। ठीक, तो फिलहाल इतने सब्जेक्ट तो आपको कवर करना ही चाहिए 10 सब्जेक्ट में से। अगर हम एमईबी को छोड़ दें, मैकेनिकल ऑपरेशन में भी कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते हैं, बट फिलहाल के लिए चाहो तो आप छोड़ सकते हो। और उधर सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा कोई आएगा तो उसको भी फिलहाल छोड़ सकते हो। तो ये जो है हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट की बात हो गई। आज हम इसमें बात करेंगे कि एसटीओ में हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और इन सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये वाली बातें करेंगे। पहला तो हमारा टॉपिक ये चीज़ आपको कवर करनी है और इसको हम आगे बात करेंगे, अपना सिलेबस निकाल के, अपना लेक्चर लिस्ट निकाल के बात करेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, आपको एप्टीट्यूड कवर करना है। एप्टीट्यूड के लिए सबसे अच्छी बुक है आरएस अग्रवाल, ये बुक आपको फॉलो करनी है। आपको रीजनिंग कवर करना है, इसके लिए आप लुइसेंट की बुक को कवर करना है, लुइसेंट। चौथे नंबर पर सामान्य विज्ञान जनरल साइंस ये कवर करना है और ये लुइसेंट की बुक है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके ये सेक्शन है, इसके कवर करना है। ठीक, और एक आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है पेपर टाइप की आती है, वो 1 महीने की 8 दिन की, उस टाइप करंट अफेयर्स को पूरा करना, करंट अफेयर्स ये कवर करना है। ठीक, और महत्वपूर्ण सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आयोसेल एग्जाम में प्लांट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जैसे आपको अगर आपने किसी भी रिफाइनरी में काम किया है, स्पेशली रिफाइनरी वालों के लिए, तो उसमें कोकर यूनिट है, उसमें स्वेटरिंग यूनिट है, कोई भी यूनिट है, ठीक, उसमें क्रेकिंग यूनिट है, कटर क्रेकिंग, तो डिसाल्टर है वहाँ पर, तो डिसाल्टर का टेम्परेचर कितना रहता है तो आपको मालूम है भाई 130 से 140 टेम्परेचर रहता है, उसमें प्रेशर कितना रहता है तो 10 ATM के आसपास उसमें प्रेशर रहता है। तो इसके अलावा कौन सा वहाँ पर कंप्रेसर यूज हो रहा है, कहाँ पर किस सेक्शन में, उस कंप्रेसर कौन सा यूज हो रहा है, और नंबर दो उस कंप्रेसर में जो प्रॉब्लम आती हैं जैसे कि सर्जिंग क्या है, सेटअप कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर। हमारा ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो आपने ट्रेनिंग की है ना आयोसिल की,
तो जो भी जहाँ जानकारी इतने भी इक्विपमेंट हैं उनके पैरामीटर हैं ये भी आपको क्या करना है रिवाइज कर लेना है। ट्रेनिंग का जो आपका पेपर है मतलब बुक है ट्रेनिंग की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि जो अदर इंडस्ट्री के स्टूडेंट हैं जो और कहीं से मान लो किसी फर्टिलाइजर से किया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो तो जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग किया है अप्रेंटिस किया है या जहाँ से उन्होंने जॉब की है उसको जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसको रिवाइज कर ले तो उनसे उनको काफ़ी चीज़ें पता रहेंगी, ठीक। तो ऐसा आपको करना है। अब बात करते हैं हम कि सर एसटीओ में क्या पढ़ें, जल्दी कवर करना है, एमटीओ एफएम में क्या पढ़ें, तो उस पर हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे भाई हम स्पेशली यहाँ पर ये बात करेंगे कि भाई हमारे पास हमारा लेक्चर लिस्ट है इसको आप जानते ही हो, आप लोगों ने देखी होगी हमारी लेक्चर लिस्ट। तो उसमें हम सब्जेक्ट ले लेते हैं और शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी की। ठीक, तो सीटी में यूनिट वाइज आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग थोड़ा थोड़ा में क्या है कि इंट्रोडक्शन स्पेशली इसमें कौन कौन से आपको ये वाली कवर आपको बताइए सिलेबस आपके पास है इंट्रोडक्शन कवर कर लेने का, फिर सेकंड लॉ ऑफ फाइनेंस ओपन क्लोज सिस्टम इसको कवर कर लेने का, सेकंड लॉ ऑफ फाइनेंस कवर कर लेने का। इसमें ओवरऑल क्या है कि फाइनेंस पूरा कवर करना है आपको, ये 100 लेक्चर हैं इन सबको पूरा करना है आपको, बस ध्यान देना है। अच्छा, जे नियम आपको सभी के लिए लागू करना है जितने भी यूनिट हैं, आपको थ्योरी तो पूरी तैयार करनी है, न्यूमेरिकल में जो छोटे न्यूमेरिकल वो ही तैयार करने हैं, थ्योरी में जो बड़े डेरिवेशन उनको छोड़ सकते हो, ठीक, बड़े डेरिवेशन उनको छोड़ सकते हो और बड़े न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, छोटे न्यूमेरिकल करने हैं एक दो लाइन वाले। और साथ में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराए हैं मैंने थ्योरेटिकल वो सब कर लेने, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्योरेटिकली हैं वो सब कर लेने हैं और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है छोटे छोटे न्यूमेरिकल वो कर लेने का है और बचा हुआ सेक्शन हमारे टेस्ट सीरीज में पूरा हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हमारे दोगे तो वो कवर हो जाएगा, ठीक। एमओएसएच में क्या है कि थोड़ा सा फिल्ट्रेशन आ सकता है उसको देख लेने का। अब एमटीओ में आ जाओ, एमटीओ अगर बात करें तो एमटीओ वन में डिफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड में फिक्स लॉ वगैरह संबंधित कुछ यूनिट वगैरह आपको पढ़ लेनी है, जैसे कि डीएबी की यूनिट क्या है, मास ट्रांसफर की यूनिट क्या है, वो सब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन देख लेने का, उसमें क्या है कि जैसे आपका डिग्री ऑफ अप्रोच क्या है किसी भी कूलिंग टावर की, ठीक, उनमें ड्राई वाटर टेम्परेचर, ह्यूमिड वाटर टेम्परेचर वो सब, और ड्राई वाटर टेम्परेचर और वेट वाटर टेम्परेचर आपको देख लेना है। ड्राइंग ऑफ सॉइल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम देखें सेकंड M2 सेकंड में डिस्टिलेशन पढ़ लेने का अच्छे से महत्वपूर्ण है और मेम्ब्रेन सेपरेशन का एक दो क्वेश्चन हो सकता है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन महत्वपूर्ण नहीं है, लीचिंग महत्वपूर्ण नहीं है, एडजॉर्प्शन आसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, और फिर आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, ठीक है। चलिए एमईबी में आ जाओ, एमईबी में क्या है कि थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन आपको देख लेना है। सीटी, सीटी में ओवरऑल सब पढ़ लेने का, कुछ छोड़ना नहीं, बहुत छोड़ना है तो एग्रो इंडस्ट्री छोड़ सकते हैं। पीडीसी में भैया क्या है कि इसमें क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते जाओ, छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
एसटीयू में पूरा कवर कर लेना, कुछ छोड़ना मत, और एसटीयू में पूरा कवर कर लेना। आपका बच्चा एफएम, एफएम में क्या करना है कि पंप वाला सेक्शन आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पंप वाला सेक्शन, पंप पे क्वेश्चन आएंगे, और भाई पाइप ब्रांचिंग वगैरह पे क्वेश्चन आएंगे, फिलोमीटर पे क्वेश्चन आएंगे, पंप के टाइप पे क्वेश्चन आएंगे, सैलरी फ्लूड जो फ्लूड है उसके बिहेवियर पे क्वेश्चन आएंगे, उसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डेंसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब पे क्वेश्चन आएगा। तो ये अच्छे से पढ़ लेना उसको। और पीआरई पूरा पढ़ना है आपको, पीआरई हम कोर्स करेंगे 11 जून तक हम करवा दें, और ये सब है ओवरऑल आपको देख लेना है, ठीक है। और टेंशन मत लो, ओवरऑल सब अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, सब अच्छा हो जाएगा। जितना टाइम है उसमें अच्छे रिवाइज करो, हमारे टच में रहो कंटिन्यू, अच्छे से पूछो क्वेश्चन में, डाउट पूछो, कोई डाउट आता है एनी टाइम 9897997874 पर कॉल करिए या फिर व्हाट्सअप करिए, हम आपको जवाब देंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।